हम सुंदर साज सोचते हैं कि मृत्यु का समय निश्चित होता है, सामान्य रूप से निश्चित होता है, लेकिन आई हुई मृत्यु को टाला भी जा सकता है। उसको टालने के लिए आत्मबल चाहिए, सामान्य प्राणी नहीं टाल सकता। आप देखेंगे ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम उपाग्नाथ, ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। जो कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ध्यान साधना में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनकी उम्र अधिक होती है। आचारात लभते ही आयु, आचरण से, शिष्ट श्रेष्ठ आचरण से उम्र बढ़ती है। जो पाप करता है उसकी आयु घट जाती है, जो बुरे कर्म करते हैं उनकी आयु घट जाती है, जो भोग विलासों में लिप्त रहते हैं उनकी आयु घट जाती है। तप से, ब्रह्मचर्य से, योग से, स्वाध्याय से और नियमित दिनचर्या से मनुष्य की उम्र बढ़ाई जा सकती है। आप रसिया के कुछ भागों में जाएंगे जहां मनुष्य की औसत उम्र 100 से ऊपर ही होती है, क्योंकि वहां के लोगों का खान पान ऐसा है, दिनचर्या ऐसी है कि उम्र 100 से ऊपर हो जाती है। आजकल तो हिंदुस्तान में देखिए चाय और काफ़ी ने लोगों के शरीर को इतना खोखला कर रखा है कि 70 साल तक उम्र पहुंच जाती है तो सोचते हैं कि चलो अच्छी उम्र हो गई। मनुष्य जब नियमित दिनचर्या का पालन करता है, संयम पूर्वक जीवता है, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। प्रकृति ने ये अधिकार दे रखा है, आप प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए तो आपकी उम्र स्वाभाविक रूप से अधिक होगी, लेकिन यदि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपकी उम्र कम होगी। पहले गांव के गांव साफ हो जाते थे, जब प्लेग की बीमारी आती थी, हैजा की बीमारी आती थी या मृगी की बीमारी आती थी तो कोई बचता ही नहीं था। आज विज्ञान ने सभी रोगों पर नियंत्रण पा लिया है तो आज गांव के गांव साफ नहीं होते। पहले के ऋषि मुनियों की उम्र ज़्यादा होती थी, सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष के आसपास की उम्र उचित मानी जाती है। लेकिन अब तो 100 से भी उम्र कम हो गई, 70-80 तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जिसमें महाभारत का युद्ध हो रहा था उसमें द्रोणाचार्य की उम्र 400 वर्ष थी, भीष्म पितामह की उम्र 172 वर्ष थी और अर्जुन भीम भी 90-95 वर्ष के थे। आज तो 90-95 वर्ष वाले को बूढ़ा माना जाता है, 90-95 तक तो बहुत कम लोग जीते हैं। कारण क्या है? आहार विहार की अशुद्धता, भोग विलास का प्रबल, परमात्मा पर श्रद्धा न होना, स्वाध्याय का भाव, ध्यान का भाव, इन चीजों से मनुष्य की उम्र कम हो गई है।